हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं शेयर करूंगी कच्चे केले यानी कि काच कॉलर चॉपर रेसिपी। ये रेसिपी मैंने मेरी सासू माँ से सीखी है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसे बनाते हैं। पहले हमें कच्चे केले का और आलू का छिलका निकाल लेना है। उसके बाद एक प्रेशर कुकर में आधा कप पानी में इन सबको डाल के थोड़ी सी नमक भी ऐड कर लेना है। सब्जियाँ सॉफ्ट होने तक हमें कुक करना है। एक सूखे पैन में हम ले लेंगे साबुत जीरा, धनिया और सूखी हुई लाल मिर्च। कुछ मिनट के लिए लो फ्लेम में इन सब को हमें ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद भुने हुए मसाले को ग्राइंडर में डाल के हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बंगाली में इसे भाजा मौसला कहते हैं। उबले हुए कच्चे केले और आलू को हम हाथों से मैश कर लेंगे। फिर उसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, ये भी बारीक कटा होना चाहिए। उसके बाद जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। फिर हम ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया के पत्ते। नमक और चीनी डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। जो सूखे मसाला हमने ग्राइंड कर रखे थे 2 चम्मच भर के, वो डाल देना है। और फिर इसमें जाएगा थोड़ी सी चाट मसाला। आप चाट मसाला की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हो। अब सारे चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर अपने हाथों में बिल्कुल थोड़ी सी तेल लगा लेंगे, इससे ये आलू का मिक्सचर हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले लेंगे हाथों में और ऐसे छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। ये देखिए सारे बॉल्स बनके तैयार है। अब हम बैटर बना लेंगे। उसके लिए एक प्याले में बेसन ले लेंगे, फिर उसमें जाएगा थोड़ी सी बेकिंग सोडा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम ऐड करेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और एकदम तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। आप इसमें 2 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हो। सारी चीजों को 1 चम्मच के साथ अच्छे से मिला लेंगे। फिर धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे और एक विस्क के साथ मिलाना चालू करेंगे। डिटेल रेसिपी के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। बैटर का कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह का होगा, बहुत पतला ना हो जाए, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक बॉल को हम बैटर में डाल देंगे और 1 चम्मच की मदद से उसे अच्छे से कोट कर लेंगे। अब उसे हम मीडियम गरम तेल में डाल देंगे। ऐसे ही 5-6 बॉल्स हम एक साथ डाल देंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीडियम फ्लेम में हमें इन सबको फ्राई करना है। एक तरफ जब गोल्डन हो जाएगा तब हम दूसरी तरफ इन सबको पलट देंगे। करीब 7 से 8 मिनट बाद ये सब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तब हम तेल से निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा काच कॉलर चॉपे रेसिपी। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। इसे आप गर्मा गर्म हरी चटनी या फिर इमली के मीठी चटनी के साथ एंजॉय करो। और तब तक के लिए गुड बाय।